फ्रेंड, माय नेम इज़ दीपा शिकरवार और आज मैं आपको क्लास फोर्थ का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ये डिवाइसेस होती क्या हैं और ये कैसे कार्य करती हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वह है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, यह कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक ही समय पर विभिन्न कार्य करने में समर्थ होता है। जैसे कि हम एक ही समय पर इसमें गाने भी सुन सकते हैं, इसमें वीडियो गेम भी खेल सकते हैं, इसमें कैलकुलेटिंग भी कर सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हम एक ही समय पर इस पर कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कई उपकरण ऐसे होते हैं जो कि CPU से जुड़े रहते हैं, जिससे CPU की जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इन उपकरणों के अलावा बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट में ऐसे आ चुके हैं जो कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कंप्यूटर की जो उपयोगिता है उसको बढ़ाते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग ना किया जा सके। इवन हम देखते हैं कि दुकानों पर, बैंक, होटलों, स्कूलों में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल आदि ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आप देखते भी होंगे कि हमारे स्कूल में भी अब जो फीस वगैरह है वो सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही डिपॉजिट की जाती है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्किंग साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है। कंप्यूटर तीन स्टेज पे निर्भर रह कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है वो तीन स्टेज पे निर्भर रहती है। फर्स्ट है इनपुट। इनपुट डिवाइस की सहायता से हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं। यह कोई भी टेक्स्ट या कोई भी कमांड हो सकती है जो कि एक यूज़र कंप्यूटर को देता है। दूसरी है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम में CPU के माध्यम से की जाती है। थर्ड है इसमें आउटपुट। आउटपुट जब हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं और प्रोसेसिंग होकर जब वो हार्ड कॉपी के रूप में हमारे सामने आता है, प्रेजेंट होता है, तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने पहले डाटा एंटर किया यानी कि वो इनपुट, फिर वो प्रोसेस हुआ यानी कि वो CPU में प्रोसेसिंग करके आया, फिर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आई है वो हमारे पास आउटपुट, मतलब वो हमारी आउटपुट कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के जनरली बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर के मेन भाग हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस यानी कि जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं, जो डिवाइस प्रोसेसिंग करती हैं वो डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। देन फर्स्ट है इसमें इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। वो डिवाइसेस जो हम जब भी यूज़र कोई भी डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में इनपुट करता है तो वो यूज़र इनपुट डिवाइस की सहायता से कोई भी डाटा या कमांड, कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में एंटर करेगा। ये सारी डिवाइसेस निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, ऑडियो, वीडियो डिवाइसेस लाइक वॉइस रिकॉर्डर, स्कैनर, पॉइंटर डिवाइसेस लाइक माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, लाइट गन एंड मैनी मोर। ये कुछ विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रोसेसिंग डिवाइसेस। जो डिवाइसेस इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेसिंग करके आउटपुट डिवाइस की सहायता से आउटपुट के रूप में हम तक पहुंचाती हैं वो सभी डिवाइसेस इनपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कि मेमोरी यूनिट। एक मेमोरी यूनिट एक तरह के प्रोसेसिंग डिवाइसेस है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। थर्ड है इसमें कंप्यूटर यूनिट। ये सभी डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं जो कि इनपुट किए गए डाटा को हमें आउटपुट के रूप में प्रोसेसिंग करके देती हैं। नेक्स्ट है इसमें आउटपुट डिवाइसेस। वे डिवाइसेस जो इनपुट किए गए डाटा को आउटपुट के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्रदान करती हैं वो सभी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, प्लॉटर, हैंडफोन, प्रोजेक्टर, ये सभी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आज के लिए बस इतना ही और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क के रूप में घर पे करने हैं। ये आपके सभी क्वेश्चंस बुक में अवेलेबल हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट नंबर पे मैंने दे रखा है फाइंड आउट वर्ड मीनिंग। ये सभी वर्ड मीनिंग जो हैं इसमें मिल जाएंगी बुक्स में आपको। ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये शॉर्ट आंसर है तीन। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम। राइट डाउन द वर्किंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये सभी क्वेश्चंस आपकी बुक में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये रहे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेसिंग डिवाइसेस, एंड इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये सभी क्वेश्चंस आपको अपने होमवर्क या कोई भी आपकी पास जो भी नोटबुक है उसमें आपको करने हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।